सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज बोल्ड स्काई किचन में हम बनाना सीखेंगे सोया चिली पनीर, जो कि एक स्वादिष्ट इंडियन चाइनीज व्यंजन है। इसे स्टार्टर या नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। इस रेसिपी में पनीर को मैरिनेट करके तेल में तला जाता है और बाद में चाइनीज सॉस, हरी शिमला मिर्च और प्याज के साथ पकाया जाता है। आइए आज हम इस आसान सी रेसिपी की मदद से जानते हैं कि घर पर ही चिली पनीर आप कैसे बना सकते हैं। सोया चिली पनीर जैसा कि मैरिनेशन के बाद बनाया जाता है, तो हम पहले यहाँ पर पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। और इसे मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए ये देखते हैं। सोया पनीर को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर को मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए करीब 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबल स्पून मैदा, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ज़रूरत के मुताबिक नमक और 4 से 6 स्पून चाहिए पानी। अब इन सभी सामग्रियों को एक एक करके एक बड़े बाउल में डालेंगे और 4 टेबलस्पून पानी की मदद से एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद पनीर को तैयार की गई पेस्ट में डालें और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। मैरिनेट होने के बाद एक कढ़ाई में पनीर को तलने के लिए तेल गर्म करें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आंच कम करते हुए हम मैरिनेट पनीर को इस तेल में तल लेंगे। चारों तरफ से बराबर चलाते रहेंगे ताकि हमारे पनीर चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं। आप देख सकते हैं कि पनीर लगभग ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे में इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और अब तैयारी शुरू करेंगे सोया चिली पनीर के तड़के की। सबसे पहले हम पैन में कटी हुई अदरक डालेंगे, जो कि करीब 1/2 टीस्पून है। 10 सेकंड तेज आंच पर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और एक बार चम्मच से अच्छी तरह से चला लेंगे। ध्यान रहे हमें आंच को तेज ही रखना है। इसके बाद हम डालेंगे लगभग एक बड़े साइज की मोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज और उसे भी तेज आंच पर चला लेंगे। प्याज जब पारदर्शी हो जाए, यानी कि उनका रंग थोड़ा सा बदल गया हो और उनका कच्चापन भी थोड़ा सा दूर हो गया हो, तो ऐसे में हम डालेंगे एक मोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ ही हम डालेंगे 4 लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च। अच्छी तरह से तेज आंच पर चलाएंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस और करीब 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये डालने के बाद एक बार फिर से चलाएं। इस जगह पर हम स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएंगे। 30 सेकंड तेज आंच पर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तली हुई पनीर और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिला लेंगे। 1 मिनट तक तेज आंच पर भूनिए। आप चाहें तो इस जगह पर आंच मध्यम कर सकते हैं और दूसरी तरफ एक कटोरी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को भी अब शामिल कर दें सोया चिली पनीर में। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। 1 मिनट तक तेज़ आंच पर भूनते हुए हमारा सोया चिली पनीर लगभग तैयार हो चुका है। अब आता है वक्त इस डिश को सर्व करने का, तो इसके लिए एक सर्विंग प्लेट में इस डिश को निकाल लेंगे। बनकर तैयार है गर्मा गर्म सोया चिली पनीर और आपने तो देखा ही है ना कि कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। तो फिर अब से अगर आपका कुछ चाइनीज़ खाने का मन करे तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे बोल्ड स्काई किचन में एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।